एक बदलाव मैं देख रहा हूं, पता नहीं कितनों ने नोटिस किया, लेकिन मेरी आंखों ने नोटिस किया अमिताभ तिवारी, और ये बड़ा बदलाव है। समाजवादी पार्टी ने अपने बैनर में अपने पुरखों की फोटो लगाई, उनका क्रम चौंका रहा है मुझे। उसमें एक तो नया इंक्लूजन ही है वल्लभ भाई पटेल का, और वो भी पहली फोटो वल्लभ भाई पटेल की, उसके बाद में अंबेडकर और लोहिया सब बहुत बाद में। ये बात नहीं है तिवारी जी, कुछ समझ में आई बात? ये बात नहीं है, इससे पहले लोहिया वो अब लोहिया ही रहते थे। अब लोहिया जी तो चले गए, सबसे पहले आ गए वल्लभ भाई पटेल। तिवारी जी ये खेल, ये हमको तो पहली बार पता लगा अभी कुछ वर्ष पहले कि वल्लभ, 35 साल में पहली बार पता लगा कुछ साल पहले कि वल्लभ भाई पटेल कुर्मी थे, जिसके कारण फोटो आई। वल्लभ भाई पटेल के नाते उनकी फोटो नहीं आई है यहां ना, उन्होंने देश में एकता कायम की इसके नाते नहीं आई, कुर्मी थे इसलिए फोटो लगाई, वो भी पहली फोटो लगाई। तिवारी जी है ना नई बात? बिल्कुल नई बात है, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है कि मुलायम सिंह के समय में कभी नहीं, मतलब जब से सपा बनी तब से मैं, मुझे याद है उनकी फोटो होर्डिंग बैनर पोस्टर, पहली बार है कि बोले ना सब पीछे वल्लभ भाई आगे, इसका मतलब कुर्मी का मामला कुछ टाइट है जी। अभी तक तो हमने देखा है कि कांग्रेस और भाजपा वल्लभ भाई पटेल जी की लेगेसी के लिए लड़ते रहे हैं, और शायद वल्लभ भाई पटेल जी की एंट्री भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में 1990 के बाद शायद पहली बार हुई होगी, उस जमाने में तो हुई होगी। तो ऑफकोर्स नॉन यादव ओबीसी वोट जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा ध्यान है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि यादव समाज का तो 80% से ऊपर वोट समाजवादी पार्टी को पड़ रहा है, और जो नॉन यादव ओबीसी वोट है उसमें कुर्मी समाज एक एक, एक, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल वोट है। और अभी तक जो नॉन यादव ओबीसी जिसमें 100 से ज्यादा छोटे समाज हैं, जातियां हैं, वो भाजपा को सपोर्ट करता आ रहा है, और क्योंकि कुर्मी समाज एक इन्फ्लुएंशियल समाज भी है, तो इन्फ्लुएंशियल समाज को माना जाता है कि वो अपने साथ दूसरे वोटरों को भी आकर्षित करता है, खींचता है। एक टाइम पे अगर मुझे नहीं गलत हो तो बेनी प्रसाद वर्मा जी हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के कुर्मी चेहरा, अभी कुर्मी चेहरे की एब्सेंस हो गई है समाजवादी पार्टी में, सिर्फ यादव चेहरों का एक तरह से बोलबाला हो गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए शायद ये पॉलिटिक्स। अच्छा डायरेक्ट फिर वल्लभ भाई पटेल को उतार दिया, बोले कहां बेनी नहीं चक्कर, वल्लभ भाई को उतार दो जी। बेनी प्रसाद वर्मा लास्ट इयर्स में अपने कांग्रेस पार्टी, किसी वर्मा और कटियार और गंगवार इसको ढूंढा ढानी करो, इससे अच्छा डायरेक्ट वल्लभ भाई पटेल को उतार दो, और जब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कहो इटावा में उनकी मूर्ति भी बन जाए वल्लभ भाई पटेल की। हाँ तो अपना अपना दल का एक धड़ा तो है ही समाजवादी पार्टी के साथ, उसका अलायंस है ठीक नहीं, तो लेकिन मैं हैरान इसलिए हूं अमिताभ तिवारी कि मैं जाना ही कुछ वर्ष पहले, इतना लिखने पढ़ने के बाद, इतना सत्संग करने के बाद, कि वल्लभ भाई कुर्मी थे, मैं तो उससे पहले जाने ही नहीं ये बात। धन्य भाई राजनीति पांडे जी, ये किसकी खोज है, ये किसका कि अंतश्चेतना है जिसने ये कहा कि गुरु किधर भटक रहे हो, वल्लभ भाई फोटो लाओ आगे लगाओ सबसे पहले। ये चेतना मुलायम सिंह जी को नहीं आई, उनके जीवन काल में नहीं आई ना, कितने दीजिए। देखिए अमिताभ जी, आपके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार जब जाति जनगणना की बात कर रही है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा, कई मंचों से कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हमने सारा लाभ यादव को दे दिया। अब मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार जो आरोप लगा रही है वो जाति जनगणना कराए और जितना जिसका हक हो उसको दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना से भाग जा रही है लगातार, उससे कल तक वकालत करती थी जब सत्ता में नहीं, जब सत्ता में आए तो उसके खिलाफ हो गए। और अभी राघवन जी कह रहे थे कोई परिवार गरीब नहीं, मैं भी कह रहा हूं कोई गरीब परिवार नहीं जिसको 400 का सिलेंडर 1000 में न लेना पड़ रहा हो, कोई गरीब परिवार नहीं जिसको 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में न लेना पड़ रहा हो,
कोई गरीब परिवार नहीं जिसको प्याज 90 रुपए किलो न खरीदना पड़ रहा हो, तेल 150 रुपया लीटर में खरीदना पड़ा हो कड़ू का, कोई गरीब परिवार नहीं जिसके ऊपर महंगाई की मार न हो। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है। और लगातार समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज स्पष्ट किया, प्रशिक्षण शिविर, साइकिल यात्रा, पद यात्रा, लगातार समाजवादी पार्टी का चलता रहेगा। हम लोग जनता के बीच में जाते रहेंगे और अपनी बात जनता से कहते रहेंगे। वो तो अच्छी बात है पांडे जी, मैंने सिर्फ ये अपनी जानकारी के लिए पूछा। ये रामगोपाल जी, शिवपाल जी, अखिलेश जी किसका किर्द, या वो अपने बंगाल वाले किरण मेनन्दा, ये किसका किसकी किसकी प्रत्युत्पन्न मति थी जो पटेल को खोज के लाया, बोले कुर्मी के तौर पे इनकी फोटो लगाओ। ना कि आपके सोचने का तरीका है, मैंने कहा ना कि कई हजार किलोमीटर साइकिल चली तो नजर किसी की नहीं गई, आपने चर्चा नहीं किया। आज जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे पांडे जी, कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है कि ऐसे संभव नहीं है कि आप पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबको जोड़ लोगे। आपको नहीं दिखता तो क्या करें, समस्या है। ठीक है पांडे जी, ठीक है ठीक है। समाजवादी पार्टी अपना ऐसा कोई पुराना मुलायम सिंह के समय का पोस्टर सार्वजनिक करे जिसमें वल्लभ भाई पटेल की पहली फोटो लगाई हो, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। झगड़ा क्या फंस जी बात भैया, वल्लभ भाई पटेल आज तो पैदा हुए नहीं कि आज दिमाग आज निगाह गई, ऐसा तो नहीं वल्लभ भाई पटेल पैदा ही आज हुए फरुखाबाद में, गुरसाहेगंज में, ऐसा तो है नहीं। वल्लभ भाई पटेल को तो गुजरे हुए मुद्दत हो गई तब आज निगाह गई, ये मैंने सवाल था। इतनी सी बात है, इसमें कौन सी बात है। मुलायम सिंह के समय में भी सम्मेलन होते थे, फोटो लगती थी, देख लो किसकी फोटो लगी है। अच्छी बात, अरे भाई लगाओ ना, मैंने उसके पीछे की रणनीति जाननी चाहिए, उसमें काहे नाराज हो रहे। खैर रत्नाकर सिंह, मुझे लग रहा है आपकी पार्टी के जितने भी शुरुआती दौर के नायक रहे, क्या उसमें आपके पास थोड़े समय में बचेगा कोई नहीं गुरु, जान लो इंदिरा गांधी बचे तो बचे, क्या उससे पहले का तो सब साफ हो जाएगा। नहीं कोई किसी को ले जाएगा, कोई किसी की फोटो ले जाएगा, आपके संदूक में फोटो नहीं बचेगी, क्या वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा यही बचेंगे फिर। और खड़गे जी, क्या कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा ले, कोई इंदिरा गांधी का भी फोटो लगा ले। अच्छा नहीं, इंदिरा गांधी तक नहीं जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर में तो सब चले गए। देखिए अमिताभ जी, ये जितने भी महापुरुष है ना, इनका ये लोग फोटो लगाकर आज इस्तेमाल करते हैं, कोई धर्म के आधार से किसी अपने महापुरुष को फोटो लगा रहा है, कोई जाति के आधार पे महापुरुष को फोटो लगा रहा है। ये जितने भी महापुरुष थे वो देश के लिए लड़ाई लड़े, वो सभी कुर्मी, यादव और ब्राह्मण इन सब के लिए लड़ाई नहीं लड़े, वो भारत देश के लिए लड़ाई और भारत देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज जनता को आप इतना बेवकूफ समझते हैं क्या, फोटो लगा लेंगे तो आप वो उनके पार्टी के हो गए। जो सरदार पटेल आजीवन कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में रहे और कांग्रेस के लिए काम किया उन्होंने और देश के लिए काम किया, उसका फोटो आप लगा देंगे तो जनता जो है वो आपको वोट देना शुरू कर दे। करे ये सब इनका एक दुनिया को गुमराह करने का, देश को गुमराह करने का एक शगुफा है और कुछ नहीं। देश की जनता ये जानती है कि कौन पार्टी जो है धर्म के आधार पर राजनीति करती है और कौन पार्टी जो है वो जाति के आधार पर राजनीति करती है। और देश की जनता ये जानती है, आप कांग्रेस ठीक पार्टी है, कांग्रेस ये कह रही है कि सपा जाति के आधार पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस का टोन ये है, सपा को इसको नोट करना चाहिए। बीजेपी जी और धर्म के आधार पर बीजेपी, मैंने तो बात क्लियर कर दिया, मैं क्लिक कर दिया। ठीक बात, मैं राघवेंद्र जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा कि कांग्रेस भी गलतियां करती है, उसके पास बौद्धिक चिंतन का अभाव है, मुझे लग रहा है उतने योग्य लोग नहीं जो इंदिरा गांधी के समय में रहा करते थे। एक विश्व की बड़ी मूर्ति वल्लभ भाई की बनी, वल्लभ भाई के होम स्टेट में, आपको किसने ये सलाह दी कि आप कोई कांग्रेसी वहां नहीं जाएगा, जाना चाहिए था ना आपको। जब लोग आपका झोला उठा ले जाते तो आप हल्ला मचाते हो, कहते तो हमारा झोला था, आप क्यों नहीं गए।
आप श्रद्धा सुमन चढ़ाने क्यों नहीं गए? आपके गुजरात यूनिट का भी आदमी नहीं गया क्यों? ये वही गलती है कि रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगी सोनिया जी ना, राहुल जी भी नहीं जाएंगे, प्रियंका जी भी नहीं जाएंगी, प्रियंका जी का बेटा भी नहीं जाएगा। ये कौन सलाह देता है आपको? जो देता है वही आपकी दुर्दशा का जिम्मेदार है, ये जान लो। आएंगे अभी, अभी तर्क सोच के रखो और दो चार लिख के रखो कागज पे, आएंगे आएंगे ठीक ना। मेरा मेरी तो खरी बात कहनी है, जो आपको ऐसी सलाहें देता है वो आपको डुबोने में पूरा भगवान के आशीर्वाद से फुल काम कर रहा है और परफेक्शन के साथ कर रहा है, ये भी जान लो। आज आप कह रहे हो कि सलमान खुर्शीद करे, हमको न्योता क्यों नहीं दिया जा रहा है अयोध्या का? अरे चाचा कभी गए हो अयोध्या? क्यों नहीं गए? किसने रोका आपको? नहीं गए? नहीं, अयोध्या नहीं जाएंगे। लोगों ने कान भर दिया गांधी परिवार के कि उधर मत जाइएगा, मुसलमान भाग जाएगा। लो ना, हिंदू बेचारा मुसलमान 2% पे आ गए। ये सलाह तो किसी ने दी होगी ना गांधी परिवार को कि अयोध्या में रामलला के दर्शन मत करिएगा। अब कह रहे हो कि हमको मोदी के साथ बैठाओ, काहे को भैया? आप वही बात मैं कह रहा हूं, इनको कम से कम इतनी समझ तो आई कि वल्लभ भाई की फोटो लगाओ। आप गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष से कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को माला पहना के आइए, लेकिन नहीं बोले। वो मूर्ति तो भाजपा की सरकार ने लगाई है इसलिए नहीं जाएंगे। अच्छा जी, सरकार तो देश की होती है, प्रदेश की होती है, भाजपा और कांग्रेस की नहीं होती। ये भाजपा और कांग्रेस को गलत फहमी है कि सरकार हमारी होती है, सरकार हमेशा राज्य की और देश की होती है। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी भी पटेल को ले आई, पहले वो कांग्रेस के फोटो एल्बम में थे, फिर आप निकाल के लाए, अब उसको अनुप्रिया पटेल, कृष्णा पटेल से होते होते वो अखिलेश जी भी ले आए। राघवेंद्र जी देखिए, सरदार पटेल के साथ कांग्रेस ने क्या किया था, या बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या किया था, लाल बहादुर शास्त्री के साथ, क्या लंबी बातें हैं, चर्चा बहुत आगे चली जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य अमिताभ जी, ये फोटो लगाएं चाहे गले में टांग लें, इनको धेला वोट नहीं मिलने वाला उत्तर प्रदेश से, क्योंकि सब खेल अमिताभ जी विश्वसनीयता का होता है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जो है सबसे ज्यादा अविश्वसनीय राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में है, अपनी परंपरागत सीटें हारे बैठी है। आजमगढ़ और रामपुर, हाँ माननीय मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उन्होंने मेहनत की थी, पार्टी खड़ी की थी, अथक प्रयास किया था। अखिलेश यादव ने क्या किया है अभी तक? मात्र चुनावी समय में आ जाते हैं पिकनिक करने के लिए। भाई ये बताइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हुए 1.5 वर्ष हो गए हैं, अभी तक नजर आए अखिलेश यादव? अब तक ईमानदारी से बताइए, कहीं नजर नहीं आ रहा। 3 महीने से दिखाई पड़ने लगे, इनकी साइकिल यात्रा देख रहे हैं। अरे क्यों फरियत कराए रहते हैं भाई? समाज में अगर कोई कायदे से साइकिल यात्रा होती तो मजबूर होते मीडिया दिखाने के लिए। मैं तो देख रहा हूँ टीवी पे अखिलेश यादव के साथ ज्यादा ज्यादा 100-125 साइकिलें हैं और उसके पीछे कारें चल रही हैं। और ये कल्पना करिए, जब ये सड़कों में चल रही होंगी, जब अखिलेश यादव नहीं साथ में होंगे, तो कितनी बड़ी साइकिल यात्रा होगी? मीडिया कवरेज का हक देने लगे, अब मीडिया के ऊपर ये लोग ठीकरा फोड़ने लगते हैं, आप लोग नहीं दिखाते हो। अरे दिखाए भैया, क्या 4 साइकिलें दिखाएंगे तो आपकी बजिया तो होगी पन्न पर? अरे भाई आप लोग जिस तरह, अरे हरिश्चंद जी नाराज मत होइए, पूरा विश्वसनीय का खेल होता है। इतने तेजस्वी अगर आप लोग थे, आपकी 4 बार सरकारें रही हैं, अरे अरे 4 बार सरकारें रही हैं, मुद्दों पे चुनाव लड़ा करिए। अरे मैं तो कहते कहते सरकार थी और डबल इंजन सरकार चलने में निश्चित, अरे आप डबल इंजन सरकार भोपी के चारों खाने चिप्स वाली है। अरे करते बढ़ेगा, जिन्होंने जनता भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है, आप मीडिया को बचाइए, मीडिया आपको बचाए।